हेलो गाइस, तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो कि अगर आप यूट्यूब पर इस चीज़ को अप्लाई करते हो तो इसके दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर इसको आप अच्छे से भी इस्तेमाल कर सकते हो और बुरे तरीके से भी। तो बुरे तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे तो बुरे तरीके का जो अंजाम है वो भी बुरा ही होगा, तो इससे आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। और अगर अच्छे तरीके से, मतलब इसे अच्छे वे में अगर लेते हो, आप अच्छे से इस पर काम करते हो, तो इससे आपका चैनल ग्रोथ भी, चैनल की जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ सकती है। मेक श्योर कि आप लास्ट तक ही देखना, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो भाई आपके दिमाग में कोई भी चीज़ अच्छे से सेट नहीं होगी जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वो चीज़ है क्लिक बैट। अब भाई आप इस चीज़ को बहुत जगह सुने होंगे, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ऑब्वियसली ये यार कि ये चीज़ आप सुने ही होंगे। तो वो चीज़ है क्लिक बैट। जी हाँ, अगर आप इस क्लिक बैट को, मैं आप अच्छे से समझाने वाला, बहुत ही ईजी तरीका मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको अच्छे तरीके से, इसकी एडवांटेज को भी और इसकी डिसएडवांटेज को भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमने डिसएडवांटेज को देखते हैं, यानी कि बुरे तरीके से इसे कैसे यूज कर सकते हैं और इससे क्या होगा। तो दोस्तों बुरा तरीका मतलब कि आप बहुत ही हाई लेवल की क्लिकबेट करें। अब हाई लेवल का क्लिकबेट मतलब कि देखो, आपने थंबनेल पर बना रखा है कि ब्लॉग एपिसोड नंबर 1 फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड। ओके, आपने एक ब्लॉग बनाया है जहां पर आपने थंबनेल दिया है हम इंडिया से थाईलैंड का ब्लॉग, ठीक है। अब इस पर लोग अट्रैक्ट होंगे कि भाई ये बंदा इंडिया से थाईलैंड गया है मुझे देखने का, इस पर बहुत से लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और तुरंत उस पर क्लिक करेंगे। बट इनसाइड द वीडियो आप कोई भी शहर का, इंडिया में ही कोई शहर का एक ब्लॉग दिखा दोगे, लाइक दिल्ली का हो गया, मुंबई का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, राजस्थान, जयपुर, इस तरीके की कोई एक इंडिया में ही कोई एक शहर का ब्लॉग आप दिखा दोगे। तो ये हो गई क्लिकबैट। इसमें बहुत ही ये हाई लेवल की क्लिकबैट हो गई, मतलब कि बिल्कुल अपोजिट। आपने बोला कुछ और, आपने वीडियो बनाई है कुछ और चीज़ की बट थंबनेल दिया है कुछ और, तो इसमें बिल्कुल अपोजिट हो गया ये क्लिकबेट। तो ये हाई लेवल की क्लिकबेट, ये बुरी तरीके की क्लिकबेट है। इसमें आपका चैनल टर्मिनेट होने का भी डर रहता है, जो आपकी जो एडसेंस होती है वो भी डिसेबल्ड हो सकती है, और साथ ही साथ आपका जो ऑडियंस है इससे तो आपका फेम बनने वाला है नहीं, सब्सक्राइबर तो इससे आएंगे नहीं, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ने वाली है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपकी ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाए, बट इंक्रीज तो नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। भले व्यूज़ आ जाएंगे बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, ग्रोथ रेट भी नहीं बढ़ेगी, वीडियो को पूरा भी नहीं देखेंगे और बस आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। अब दोस्तों ये गलतियां कभी मत करना, इस तरीके की क्लिकबेट अगर करोगे और अगर यूट्यूब का ध्यान चला गया, अगर वो अच्छे से आपका वीडियो को एग्जामिन कर रहा, तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा आपका चैनल और एडसेंस भी डिसेबल्ड हो सकती है। तो दोस्तों अब हम इसकी जो एडवांटेज को है, इसकी जो अच्छी तरीके है उसको हम समझते हैं कि अब हमें अच्छे तरीके, मतलब किस तरीके से क्लिकबेट करना चाहिए जिससे हमारी जो चैनल की ग्रोथ रेट है वो भी बढ़े और मतलब कि व्यूज़ आए हमारे वीडियोज़ पर। तो दोस्तों अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल है। लाइक अगर आप कोई भी चीज़ को डायरेक्टली थंबनेल पर लिखोगे तो फिर लोग ऑब्वियसली आप पर उतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, ऑडियंस रिटेंशन उतनी नहीं बढ़ेगी। अब मान के चलो कोई भी एक टिप्स है उसको आपने दिया उस वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो पर, कि इस टिप से आप चैनल ग्रो कर सकते हो। अब मान के चलो वो टिप से एक्स वाई जेड, ओके एक्स वाई जेड टिप्स आपने दिया हुआ है उस पर्टिकुलर वीडियो पर, ताकि लोग उस, जिससे चैनल ग्रो हो सके, यूट्यूब चैनल ग्रो हो सके। अब अगर आप थंबनेल पर लिख दोगे भाई कि एक्स वाई जेड टिप्स, अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है तो ये वीडियो देखें, एक्स वाई जेड टिप्स। अब आप सब चीज़ लिख दोगे कि इस वीडियो में मैंने एक्स वाई जेड टिप्स दी हुई हैं जिससे आपका चैनल ग्रो होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आकर देखें। अगर आप इस तरीके की थंबनेल में लिखोगे तो भाई कोई भी बंदा आप पर नहीं क्लिक करेगा, मतलब इस तरीके की लेंदी थंबनेल बनाओगे तो फिर कोई नहीं आएगा। अब देखो ये चीज़ क्लिकबेट नहीं है, बट अगर आप इस तरीके की थंबनेल बनाओगे तो आपका ग्रोथ रेट नहीं इंक्रीज होगा, लोग उतना आप पर अट्रैक्ट नहीं होंगे, उतना लोग आपके वीडियो पर थंबनेल पर क्लिक नहीं करेंगे। तो अब इस तरीके की वीडियो में आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है लाइक इस तरीके की आप क्लिकबेट कर सकते हो, लाइक 2020 न्यू ट्रिक फॉर
गेट 1000 सब्सक्राइबर इन ओनली वन डे, इन ओनली वन वीक, इस तरीके की आप कुछ क्लिक बेट कर सकते हो। और जैसे ही आप इस तरीके का देखेगा, भाई 2020 का नया ट्रिक आ गया सब्सक्राइबर बढ़ाने का, भाई मैं कहाँ था, क्लिक करेगा उसके बाद आप वीडियो पर, और आप उसके बाद अगर जैसे ही आप वीडियो पर उस वो आपके वीडियो पर एंटर करता है, तो अगर आप अपने वीडियो को की जो क्वालिटी है वो अच्छी अगर रही, आपकी कंटेंट की क्वालिटी अगर अच्छी रही, तो वो बंदा टिक जाएगा आपकी वीडियो पर और एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेगा, आपका फैन हो जाएगा भाई। तो इस तरीके की क्लिक बेट करो, और साथ ही साथ क्लिक बेट तो करो ही करो, मतलब अच्छी तरीके की क्लिक बेट करो। अब बिल्कुल ऑपोजिट करोगे भाई तो प्रभाव बुरा पड़ेगा। अब देखो आपको इस तरीके की क्लिक बेट करना है, लेकिन क्लिक बेट करने से ज्यादा ध्यान आपको उस कंटेंट की क्वालिटी पर देना है। क्लिकबेट करने से ज्यादा ध्यान आपको उस कंटेंट की क्वालिटी पर देना है। अगर कंटेंट की क्वालिटी नहीं रहेगी तो क्लिकबेट का कोई फायदा होने वाला है नहीं। सो आई होप गाइस कि आप सभी चीज़ को अच्छे से समझ गए होगे, यही कुछ मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो में। सो आई होप कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ गए होगे जो कि मैंने इस वीडियो में बता रखा है। सो गाइस अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारा जो भी मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में आप तक पहुंचाने का उसको सफल बनाए। और हाँ, कमेंट में भी जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।